अब कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रोटेक्टेड तकनीक से बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक यह तकनीक ठंड के दिनों में भी कारगर है। ठंड के दिनों में जहाँ कुछ फसलों के बीज को गर्मी की ज़रूरत होता है और गर्मी के मौसम में ही वो बीज उपजेंगे, इन बीजों को ठंड के दिनों में भी प्रोटेक्टेड तकनीक से उगाया जाता है, जो ठंड के तुरंत होते हैं, यानी यूँ कहें फरवरी महीने के लास्ट होते होते उस बीज का उपयोग किसान कर सकते हैं, जिससे समय से पहले कई फसलें हैं वो हो जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ तिलहन की फसलें हैं, कुछ दलहन की फसलें हैं जो मार्च या गर्मी के मौसम में रोपे जाते हैं। लेकिन यह है प्रोटेक्टेड तरीके में बिचड़ा उगाने का विधि है। इससे क्या होता है कि अगर अभी हम लोग गर्मी की फसल इसमें लगा सकते हैं, इसमें दिख रहा गर्मी हो रहा है, अगर किसान अभी इसको खुले में लगा देगा तो ये पौधा मर जाएगा। तो यहाँ पौधा उगा के हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटे नर्सरी रेजिंग। इसको लगा के जैसे पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा और बाहर का तापमान बढ़ेगा, हम यहाँ से ले जाके उसको खेत में लगा देंगे और हमें कम से कम एक महीना पहले ही उसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे किसान को अच्छा रेट मिलता है। यहाँ से बीज किसानों को कैसे मिल पाएगा सर? कुछ किसान अगर जो बीज चाहते हैं तो यहाँ बुकिंग करवा लें, उनको बीज मिल जाएगा। कौन कौन से बीज यहाँ इस तरीके से उपाय? गर्मी में होने वाले सारे जितने भी लत्तर वाले पौधे हैं, जैसे खीरा है, लौकी है, तरबूजा है, टमाटर है, इस सारी चीज़ों का बिचड़ा हम लोग यहाँ बना रहे हैं। इसमें पपीता का भी हम बना रहे हैं। विज्ञान केंद्र में इस तकनीक से कई बीजों का जो है उपज किया जा रहा है। अब ये बीज किसानों के लिए फरवरी माह के अंत समय में उपलब्ध हो भी जाएगा। किसान कृषि विज्ञान केंद्र से सरकारी स्तर से उपलब्ध ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को नाममात्र की कीमत देनी पड़ेगी। बेगूसराय से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार।